हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का पहला दिन और हम लोग उठ चुके हैं और अभी मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। और आज मुझे पहनना है येलो कलर, क्योंकि नवरात्रि में जो पहला दिन है उस 2021 में आज पहला दिन का जो कलर है वो येलो है। तो जल्दी से रेडी होकर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैं हो गई हूँ रेडी और येलो ही साड़ी पहनी, क्योंकि आज येलो कलर है माता जी का और हमारे माता जी हो गए रेडी। मम्मी सुबह ही रेडी करके गए थे, मम्मी और ये लोग बाहर गए हैं, इसलिए अभी करनी है मुझे अखंड ज्योत की तैयारी। अखंड ज्योत की मैंने तैयारी कर दी है, अभी धूप वो जो अखंड ज्योत का दिया है वो आ रहा है और उसके लिए पूरी तैयारी कर दी है। वहाँ कोने में अखबार बिछा दिया है, कोने में अखबार बिछा दिया और नव आज कैमरे को असिस्ट करेगा क्योंकि नव शूट करेगा, मैं पूजा करूँगी इसलिए। और ये गेहूँ वगैरह भी निकाल दिए हैं जिसमें दिया रखना है, वो पतीला भी निकाल दिया है, अभी आ जाएगा। अभी जगुबिया लेने के लिए गए, जैसे ही आता है हम आगे की तैयारी चालू करते हैं। और वो जवेरे भी वो करने उगाने हैं तो उसके लिए भी मंगवा दिया है अलग टाइप का कुछ पात्र, तो उसके अंदर करेंगे। मिट्टी भी लानी है, वो सब चीज़ें जगुबिया हमको हेल्प कर देंगे और हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो अभी थोड़ी सी मैं जल्दी में हूँ क्योंकि 10:30 बजे का मुहूर्त है और 10:10 तो हो चुकी है। और ये पापा के लिए दूध भिजवाना, ले दादा को दूध दे के आ जा, ये प्लेट ले ले कप के ऊपर ढकने वाली छोटी। दिया भिगा दिया है अपन ने, दिया ये रहा भिग चुका है, दिया भिग रहे हैं दोनों दिए। भैया के पास लेते हैं। और अभी हम दिए के लिए अंदर की बाती बना देंगे क्योंकि इसमें अपन को बहुत लंबी बाती बनानी है, इसलिए ये बना देते हैं। फिर तेरे लिए अपन ड्रेस ले आएंगे घर जाके, ठीक है? ओके, तू खुश हो जा, चल तू उदास मत रहे। देखो बन गई अपनी, थोड़ी सी इसको और टाइट कर देते हैं। मेरे को तो सच बताओ मेरे को आई नहीं थी चिकू ने, ये मेरे को अभी बोला कि दूध के कच्चे दूध के साथ इसको अच्छे से टाइट कर दो इस अखंड ज्योत को, तो ये वही कर रही हूँ मैं। हाँ मिट्टू, क्या हुआ? मैंने देख रही हूँ, भी सोचा था बाप को बुला देती। क्या हुआ मिट्टू? ये हमने अभी आरती तैयार कर दी है और ये हमारी बातियाँ भी तैयार है। अभी चिकू लेने गए जो हमारा पतीला है वो, तो एक बार मैं कर देती हूँ कोने में स्थापना जैसा जहाँ पर हम अखंड ज्योत रखने वाले हैं। लो। अब ये अखंड ज्योत हम इसके अंदर डाल रहे हैं और हम इस अखंड ज्योत को अब प्रज्वलित कर देंगे। तो ये हमने अंदर अखंड ज्योत की तैयारी पूरी तरीके से कर दी है। मैंने दो बातियाँ बनाई है क्योंकि एक बाती को हम कभी भी सेट करने वगैरह के लिए अगर यूज़ करते हैं तो दूसरी बाती उस जगह पे हम जला दें ताकि वो एक अगर बुझ भी जाए तो दूसरी हमारे लिए जल रही है। एक ऑप्शन में हम परमानेंट रखते हैं, इसलिए मैंने दो बातियाँ लगाई है। बाती बड़ी बनाई है पर तो भी कम लगेगी तो हम और बना के इसके अंदर डाल देंगे और घी टाइम टू टाइम भरते रहेंगे। तो घी अभी मैंने लगभग फुल ही इसमें रखा है और मैंने इसके लिए पतीला रखा है। पतीले के अंदर मैंने ये छोटा सा यानी बड़ा दीपक रखा है और दीपक के ऊपर हम ये जाली ढक के रखेंगे ताकि इसके अंदर ना कोई मच्छर जाए और ना ही हवा जाए, हवा यानी बुझने जैसी हवा ना जाए। जल्दी आना। अब चलो बोलो अम्बे मात की जय। और हर 15 से 20 मिनट में आके चेक करना पड़ेगा कि ज्योत कैसे जल रही है। और अभी हम लोग करेंगे आरती, तो आरती मैंने पहले से ही तैयार कर दी है, इसके नीचे एक थाली ले आती हूँ, फिर थाली में रख के आरती करेंगे। पर एक बार जवेरे का कर देते हैं। अंदर पत्थर वत्थर नहीं, ये भी है यार, मैं तो पहली बार कर रही हूँ, मेरे को डर भी बहुत लग रहा है। सर अभी ये जवेरे की हो रही है तैयारी, ज्वारे की जो भी बोलते हैं, हम तो जवेरे वावना ही बोलते हैं। मैं दाद में भी देख ली हूँ। आप भी देख लियो, मजा आ रहा है आपको? हाँ, मैं भी बली होके करूँगी। चाय बनाओ रे। आपने होटल खोल रखी है क्या? अरे चाय बनाओ रे। तेरे बाप ने होटल खोल रखी है क्या? ये हमारा जवेरे वाला तो कंप्लीट रेडी हो चुका है। चिकू के माते पिता था
तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और अंदर जवेरे की स्थापना कर देंगे। अभी बना रही हूँ मैं माता जी के लिए भोग, भोग में बना रही हूँ मैं हलवा। ये माता जी का भोग हमने बना के रेडी कर दिया, हलवा बनाया है और साथ में कुछ फल रखे हैं और ये पानी भी रखा है और साथ में तुलसी का पत्ता भी अंदर डाला है। तो चलिए माता जी को भोग चढ़ा देते हैं। ये आरती की थाल रेडी हो चुकी है और ये भोग माता जी का और ये अखंड दिया और ये माता जी और अभी होगी आरती। कॉपीराइट की वजह से हम आरती नहीं चला रहे, तो एक बार आरती कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। बोलो अम्बे मात की जय। सब जने आरती ले लो, माता जी को आरती देती है। कैसे आरती लेते हैं सिखा रही हूँ, देखो एक बार ऐसे आरती को चरण स्पर्श करो यहाँ पे हाथ रख के। अब आरती लो दोनों हाथों से, हाँ एक बार और लो, एक बार और लो, थ्री टाइम्स आरती लेने की। हमारी यू को बहुत अच्छी बुद्धि देना। ये रहा आज का हमारा खाना जिसमें बने हैं चावल, ये जो हमने भोग चढ़ाया था वो हलवा है और ये दाल सब्जी रोटी। और अब हम सब जने व्रत खोलेंगे क्योंकि हम सब जने नवरात्र में करते हैं व्रत, नव और हिया को छोड़ के सब जनों का व्रत रहता है। तो जल्दी से खोल देते हैं हमारे व्रत और फिर भूख भी लग गई है, काफ़ी भाग दौड़ हो गई इसलिए। चलो व्रत वगैरह तो खोल लिया है, अब चलते हैं शॉप पर। तो शॉप पर चलते हैं, क्लाइंट्स के कॉल आ गए हैं। क्लाइंट्स अभी आगे वाली शॉप पर है, पीछे वाली शॉप पर भी है पर मैंने अभी थोड़ा सा ऑफ रखा है शॉप पर। वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा लेट आई थी और आने के बाद भी काम था इसलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और अभी जा रही हूँ रिटर्न और गुड हेयर में न्यू प्रोडक्ट आ गए हैं ग्रीन एप्पल, जो कि यानी नॉर्मल हेयर्स के ऊपर है, जिनको हेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। और थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम हो उससे और भी हो सकती है, बट ग्रीन एप्पल है वो हेयर के लिए अच्छा रहता है। अगर शैम्पू कंडीशनर ही चाहिए नॉर्मल हेयर पर यूज़ करने के लिए बॉयज़ और गर्ल्स को, तो ये कर सकते हैं। और अब चलते हैं घर पे क्योंकि आज करनी है आरती। आज क्या नवरात्रि में 9 दिन होगी आरती, तो चलिए चल के करते हैं तैयारी आरती की। मैं कुछ भूल तो नहीं गई? आ गई हूँ घर पर और हाथ पैर धो लिए हैं और ये मंदिर में ये जोत भी जल रही है। दिल को सुकून मिला जोत जल रही है देख कर, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही रख के चली गई थी ना और चिकू को 2 बार भेजा था चेक करने के लिए। तो अभी करते हैं आरती, हियाना को बुला देती हूँ। आरती की तैयारी कर रही हूँ, इससे पहले पर धूप करनी पड़ेगी और सामरानी को यूज़ करने का एकदम परफेक्ट टाइम आ चुका है नवरात्रि में। नवरात्रि में सामरानी को यूज़ करने का एक अलग ही मज़ा है और अभी मैं वही लगाने वाली हूँ सामरानी चारों तरफ घर में धूप करूँगी। इससे एक बार मैं धूप करने का जो धुपाना है वो निकाल देती हूँ। अभी ये धूप मैंने इस प्लेट में ले लिया है, अब चारों तरफ इसको घुमाना है इसलिए इसको यहीं से प्रज्वलित करके लेके जाती हूँ और घर के कोने कोने में घुमाना है। अभी बजानी है घंटी, अब मैं इसको पूरे घर में घुमा दूंगी। ये हमारी जो आरती है वो प्रज्वलित हो गई है और अब हम करेंगे आरती। Oh yeah।
आरती हो चुकी है, खाना तो अब किसी के खाना तो है नहीं क्योंकि हम सबके है व्रत, सिर्फ बच्चों के खाना है। अब बच्चे जो बोलेंगे बच्चों को बना के दे देंगे। अब थोड़ी देर मैं करूँगी रेस्ट क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा दौड़ भाग में थक गई हूँ। खाना तो खाना नहीं था पर कुछ फलाहार कर देते हैं क्योंकि सुबह आज इतने भाग दौड़ में कुछ खाना सही से कोई खा नहीं पाया था। तो अभी थोड़ी सी सेक दी है मूँगफलियाँ, तो ये खाई जा रही मूँगफलियाँ सीरियल के साथ, सीरियल भी साथ में देखा जा रहा है और ईयरफोन लगा दिए इससे सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग और अगेन सबको हैप्पी नवरात्रि, अच्छे से नवरात्रि मनाओ। हाँ खेल वगैरह नहीं पाएंगे पर घर में पूजा वगैरह तो कर ही सकते हैं। तो ओके बाय, कल मिलते हैं।